बॉम्बे और हैदराबाद के कव्वालों के बीच आस्ताना हजरत मिश्किन शाह रहमतुल्ला अलैह धुविया टंकी के दरबार में कव्वाली का जोरदार मुकाबला। हजारों दर्शकों ने कव्वाली का लुत्फ उठाया। इतवार की रात शहर के धुविया टंकी चौराहे पर कव्वाली का जोरदार मुकाबला देखने में नजर आया। मुकाबले को देखने के लिए हजारों की तादाद में दर्शक उपस्थित रहे। कव्वाली का आगाज हजरत अली की शान के साथ कशीदे पढ़ते हुए अली जावेद वारासी हैदराबाद ने की। हजारों शहर आते हैं, हजारों कदम आते हैं, कि थपती धूप में भी लोग नंगे पांव आते हैं। ए मेरे ख्वाजा की नगरी है, यहाँ तो अकबरे आजम भी नंगे पांव आते हैं। जावेद वारसी की इस कव्वाली को सुन अजमेर वाले ख्वाजा को याद कर लोग झूम उठे। वहीं बॉम्बे से आए दानिश इकबाल साबरी को भी लोग सुनकर झूमते नजर आए। इसके पूर्व आस्ताना हजरत मिश्किन शाह रहमतुल्ला अलैह के दरबार में चादर पोशी के साथ फतीहा ख्वानी का एहतमाम भी किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सरकार के दरबार में हाजिरी का शर्फ मुझे हासिल हुआ है।
उसके लिए मैं कमेटी का और आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यारो, जिस तरीके से होली, दिवाली, ईद और बकरीद आती है, इस देश में लोकतंत्र है, एक बहुत बड़ा त्योहार आता है, वोट का त्योहार। उस वोट के त्योहार को ध्यान रखिए, आप लोगों को बनाते हैं, आप लोगों को बनाते हैं कि आपकी व्यवस्था वो बनाए, आपकी व्यवस्था वो बनाए। लेकिन होता ये है कि आप वोट देने के बाद उनके दर्शन नहीं पाते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुट्ठी को बंद रखिए, वोट की वैल्यू को समझिए। संसद और विधायक, विधानसभा और लोकसभा की तरफ देखिए और संगठित हो जाइए, एक बनिए, नेक बनिए। ना कोई जात, ना कोई संप्रदाय, सबकी आस्था अपनी अपनी, सब अपनी अपनी आस्था से जिए। ये थी आज की प्रमुख खबरें। मनोरंजन के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल रीवा दर्शन। नमस्कार।